मऊ जिले में एक 24 वर्षीय विकलांग युवती से शादी के नाम पर झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दे दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसे मेडिकल हेतु भेज दिया है। युवती के अनुसार युवक उसके साथ 4-5 माह पूर्व से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब इसने शादी के लिए दबाव बनाया तो वह मुंह मोड़ लिया। ऐसे में अब देखना है कि पुलिस की आगे की क्या कार्रवाई होती है, या यो कहे कि युवती की विकलांगता का फायदा उठाते हुए युवक ने उससे पहले प्यार का नाटक रचा और उसका इस्तेमाल किया, फिर शादी के नाम पर धोखा दे दिया। फिर भी युवती अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। प्यार के मुकाम और या फिर इस्तेमाल करने की सजा दिलवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तैयारी में है। पेश है मऊ से आसिफ रिजवी की एक रिपोर्ट। क्या नाम है? शबाना अंसारी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो रेप हुआ, 306 का नाम है। कौन है वो जो? वकील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ी कमरिया कल्याण से। कैसे घटना हो गई है? कहाँ पर? घर पे थी। ए दिव्या, हाँ हाँ बताओ। कहाँ पे? दुकान जाती रोड पे। बोलो, जाना है। अरे बोलो ना, तुम बताइए। बोलो ना, मतलब लड़का हमको 5-6 साल से धोखे में लगा था, कह रहा था कि हम शादी करेंगे, शादी का झांसा दे के मेरे साथ ये गलत काम किया और अंत में आके हमको धोखा दे के भाग गया, शादी नहीं करने के लिए। क्या उम्र आपकी? मेरी उम्र ये 24 साल है। कहाँ रहने वाले? काशीराम आवासीय। परिचय कैसे हुआ, मुलाकात कैसे हुई? चलिए लेट हो रहा। बताइए आप। घर का परिचय ऐसे हुआ कि मेरी बहन के वहाँ हम जाते थे, मेरे जीजू कबाड़े की दुकान करते थे, तो मतलब अपना कबाड़ा बेचने के लिए इनके यहाँ लेके आते थे। चलिए, वहीं से संपर्क हुआ।